हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम आपको अपने चैनल पर रेलवे की वेटिंग लिस्ट यानी ग्रुप डी और टेक्नीशियन ALP आदि की वेटिंग लिस्ट के बारे में अपडेट कराने जा रहे हैं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी ALP वेटिंग लिस्ट 2018 की जो भर्ती है रेलवे की, ग्रुप डी की 2018 की, उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट कराएंगे दोस्तों, क्योंकि रिप्लेसमेंट पैनल बार बार इसे आते जा रहे हैं। जारी हुआ मेरिट लिस्ट अपडेट यानी मेरिट लिस्ट कुछ काफ़ी कम हो गई है, और ख़ास बात तो यह है दोस्तों, रेलवे ने 72.77 नंबर वाले को दी टेक्नीशियन में जॉब। यानी 72.77 बोले तो काफ़ी कम मार्क है, 72% 72 नंबर वाले को भी टेक्नीशियन में जॉब मिल चुकी है दोस्तों। नौकरी की खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, 2 RRC का आज का जो टॉपिक रहेगा, 2 RRC के बारे में बताएंगे, और 1 RRB ने दी वेटिंग लिस्ट ने की वेटिंग लिस्ट जारी। तो दोस्तों, आज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, 2 RRC हैं, यानी ये 2 RRC रेलवे रिक्वायरमेंट सेल और 1 RRB रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, इनके द्वारा 3 वेटिंग लिस्ट जारी की गई हैं टोटल। तो दोस्तों, पहली है, मैं आप देखेंगे RRC 2 में, यानी 2 RRC और 1 RRB। तो पहली RRC में आप देखेंगे इसमें बिलासपुर और जयपुर से, बिलासपुर RRC रेलवे रिक्वायरमेंट सेल और RRC NWR यानी जयपुर से। तो दोस्तों, ALP एंड टेक्नीशियन आदि का फाइनली रिप्लेसमेंट चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे जोर शोर से चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसकी पल पल की अपडेटें हम हमारे अपना लोगो यूट्यूब चैनल परिवार पे देते रहते हैं आपको। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अपना लोगो यूट्यूब चैनल परिवार पे पल पल की रेलवे की अपडेटें मिलती रहती हैं, और आपको अगर ऐसी अपडेटें चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पे, मेरिट लिस्ट अपडेट पर। कट ऑफ नंबर हुए कम, और ये आप देख रहे हो, ये 32 प्रूफ के साथ बता रहा हूँ मैं आपको, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 32.77 नंबर से टेक्नीशियन में जॉब मिल चुकी है दोस्तों इसे, और ये काफ़ी अच्छी बात है। बिलासपुर ने 32.77 नंबर पर टेक्नीशियन की जॉब दे दी है। तो दोस्तों, चलते हैं आपको दिखाते हैं RRC बिलासपुर की मेन वेबसाइट पर। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, ये आपको RRC बिलासपुर की मेन वेबसाइट है, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर से संबंधित ये वेबसाइट है। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आप इसमें पहले नंबर पे जाओगे, यहाँ पे 11 ग्रेड डी रिक्वायरमेंट, तो इस पर न्यू लिखा आ रहा है, यानी यहाँ से ये पैनल निकल गया है, तो यहाँ से आप इससे निकाल सकते हो। और GDC की चाहिए तो आपको GDC 1 2021 यहाँ से ले सकते हो। तो हम इस पर क्लिक करेंगे फाइनली, तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ खोल के आएगा। इस बार आपके पास ये आ गए हैं, इससे पहले भी 2-3 पैनल आए थे, उनके बारे में ये जानकारी, डाउनलोड ई कॉल लेटर डॉक्यूमेंट वेरीफाई अग्निट CN नंबर 2/2018। उसी प्रकार से ये फाइनली एक रिप्लेसमेंट पैनल भी आया है, ये आप इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे खुल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये पैनल के बारे में, ये आज का टॉपिक रहा RRC बिलासपुर। आज हम 2 RRC की अपडेट बताएंगे, तो पहली RRC की अपडेट देख लो आप। तो दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नोटिस 11-1 रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट के आधार पर लेटर निकलते हैं, ये 17/11/2021 यानी 17 नवंबर को निकला है लेटर। और दोस्तों, आपको इसमें बता दें, हम बिलासपुर से टोटल नोटिफिकेशन में 1159 वैकेंसी थी और 1125 वैकेंसी अब तक फुलफ़िल कर ली गई हैं दोस्तों, यानी कि आपकी 1125 वैकेंसी अब तक टोटल भर चुकी हैं दोस्तों, लेकिन अभी भी आपका 1159 में के 1125 गया आपका, तो 4 और इधर आपका 3, 34 वैकेंसी अभी भी खाली हैं दोस्तों। कितनी वैकेंसी खाली हैं दोस्तों? 34 वैकेंसी अभी खाली हैं, उसी के लिए रिप्लेसमेंट पैनल निकाला गया है। तो आपके ये 34 वैकेंसी विकलांग कोटा और नॉन विकलांग कोटा दोनों से खाली हैं दोस्तों। 26/10/2021, 27/10/2021 को भी एक मेडिकल और मतलब रिप्लेसमेंट पैनल निकला था, उसके बाद अब फिर निकाला गया है। तो जो ये पैनल में जो बंदे हैं, छः कैंडिडेट आपके नॉन विकलांग कोटा से हैं, यानी बिना विकलांग कोटा से जनरल से हैं, जिसमें जनरल के 5 है और ST का 1 है। उसी प्रकार से 7 बंदे आपके हैं वो विकलांग कोटा से हैं,
ये देख रहे सकते हो आप। इनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए निकाल दिया गया है, काले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन 29/11/2021 ऑन लिस्ट, यानी आपकी 29/11/2021 को आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, उसके उनके लिए आपको ई कॉल लेटर जारी कर चुका है दोस्तों ये। आप इसकी मेन वेबसाइट RRC बिलासपुर पर जाके देख सकते हो। तो दोस्तों ये आपको दिखाई दिया है अप्रूवल ऑफ चेयरमैन RRC बिलासपुर, तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट था और इसके बारे में भी आप देख लेते हैं। CN नंबर 2/2018 डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई DB एंड मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट। तो दोस्तों आपको इसमें हम बता दें ST के दो बंदे पास किए गए हैं, वैसे वैकेंसी एक ही है ST की लेकिन पास दो किए गए हैं। उसी प्रकार से आपके जर्नल के हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बंदे जर्नल के पास किए गए हैं। उसी प्रकार से आपके यहाँ भी हैं इस प्रकार है, तो ये काफ़ी अच्छे बंदे हैं। 29/11/2021 को उनका DB होगा और टोटल कैंडिडेट 21 कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा पैनल था जिसके बारे में हमने आपको अपडेट करा दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पैनल, थोड़ी सी अगले बात अगले पैनल के बारे में भी जानकारी लेते हैं RRC जयपुर से। तो दोस्तों ये आपको खुल के आ गया है RRC जयपुर का एक पेज जो कि एक वेटिंग लिस्ट है, केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या 2/2018 दिव्यांग अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन, गैर दिव्यांग यानी नॉन विकलांग कोटा से है और आपके 2/2018 से है। तो इसमें आपके टोटल 33 बंदों का सिलेक्शन हुआ, 33 नॉन PH बंदों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें आप कट ऑफ भी देख सकते हो। PH का कोई लिया नहीं गया, जनरल का नहीं लिया है, वो OBC का आपके 73% गई है, वहीं आपकी SC की 65 गई है, इसी प्रकार से ST की आपको 65 गई है। तो दोस्तों ये काफ़ी देख रहे हो आप, इसकी जो डेट है ये काफ़ी पुरानी डेट है, 10/11 को है, लेकिन दोस्तों जो भी है अच्छा है। दो पैनल हमने आप आज को बताए हैं दोस्तों, एक पहला था RRC बिलासपुर से और दूसरा है RRC जयपुर से। तो दोस्तों ये अपडेट हमने आपको दे दी है, अब हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा और एक जयपुर का अपडेट देते हैं। जिसका डॉक्यूमेंट्स होगा आपका ये हमने बता दिया है आपको 29/11 से 30/11। तो दोस्तों आपको एक छोटी सी सूचना इसमें हमने ये भी बता दी पेन ड्राइव के बारे में और फोल्डर रोल नंबर इसमें सेव करके ले जाने हैं आपको, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई पेन ड्राइव के आधार पर होंगे। चलते हैं आपको 32 नंबर के बारे में ये आपके सामने 32 नंबर का जो अपडेट मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था उसके बारे में थोड़ी सी सूचना है। आप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर से है और आपको इसमें बता दें दोस्तों अन पिछड़ा वर्ग OBC की और ये अनुसूचित जनजाति SC की 43%, OBC की 49%, ये आपका 1/2018 के तहत सहायक लोको पायलट LP कैटेगरी नंबर 1 की परसेंटेज है दोस्तों, जो कि प्रोविजनल पैनल द्वितीय रिप्लेसमेंट पैनल जारी किए गए हैं उम्मीदवारों के सदस्य कट ऑफ फाइनल स्कोर निमानुसार है, यानी कि आपको ALP और टेक्नीशियन में ये कट ऑफ्स रही है, SC की ALP में 43 पॉइंट रही है और वहीं आपकी OBC की 49 रही है। उसी प्रकार से आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आपको कैटेगरी वन कैटेगरी टू में और कैटेगरी दो क्रम से देख सकते हो आप टेक्नीशियन थर्ड फीटर CNW में आपको SC की 32.77 नंबर रेलवे में जॉब मिल चुकी है दोस्तों। फाइनली आपको 32.77 यानी कितने पर 32.77 पर आपको रेलवे में जॉब मिल चुकी है ये दोस्तों। यही अपडेट मैं देना चाह रहा था आपको, 32 वाला ये आपको दे ही चुका हूँ मैं। अब चलते हैं आपको एक लास्ट पैनल दिखाऊंगा, वो है आपको RRB सिकंदराबाद से। कहाँ से है दोस्तों? RRB सिकंदराबाद से। तो दोस्तों आज के मैंने वीडियो में बताया था आपको शुरू में ही दो RRC, दोनों RRC हो गई है, RRC NWR और RRC बिलासपुर। अब आपको लेके चलता हूँ RRB 1 यानी RRB बिलासपुर, RRB सिकंदराबाद। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहाँ पे आप देख रहे हो RRB सिकंदराबाद का ये ऑफिशियल वेबसाइट का पेज खुल चुका है और ये आपको ये ऑफिशियल लेटर है, ये RRB रेलवे बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड सिकंदराबाद द्वारा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सिकंदराबाद, जिसको 16/11/2021 को आउट किया गया था
फाइनल रेजिडेंट रिप्लेसमेंट पैनल असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का फाइनल और रिप्लेसमेंट पैनल जारी हो चुका है दोस्तों। ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे से उसमें आपके 33 बंदों को पास किया गया है, ये आप अपडेट देख ही चुके हो दोस्तों। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो भी बना रखी है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। और SCR से टोटल ये है कैटेगरी नंबर 2 असिस्टेंट लोको पायलट SCR से टोटल आपके 304 बंदे पास हुए हैं दोस्तों, 304 बंदे पास हुए हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा पैनल है, रिप्लेसमेंट पैनल काफ़ी बड़ा रिप्लेसमेंट एंड फाइनल पैनल है वेटिंग लिस्ट का, जो कि RRB सिकंदराबाद से निकला था। इसकी थोड़ी कट ऑफ मार्क के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी कट ऑफ मार्क्स आप देख ही रहे हो, ये स्क्रीन पर आ चुकी है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सिकंदराबाद से आप ये देख रहे हो। ये ओरिजिनल पेज है और ओरिजिनल साइट से लिया है मैंने, कोई फर्जी पेज नहीं है, जो कि 16/11/2021 को रिलीज हुआ है, जो यहाँ पे आपके दिखाने लगा है वेबसाइट पर 17/11/2021 में। इसमें आपकी कैटेगरी के हिसाब से यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे में अलग परसेंटेज गई है और SCR में अलग गई है। दोस्तों आपके ईस्ट कोस्ट रेलवे में आपकी 54 गई है तो 54.64, तो SCR में आपके 54.71 गई है। उसी प्रकार से आप OBC में देखोगे तो OBC में भी 69.54 गई है और आपके SCR से गई है 69.27। उसी प्रकार से आप SC में आपकी 62.50 गई है, यहाँ 62.33 है, यहाँ 72.94 है, यहाँ 72.98। तो दोस्तों ये हम आपको बता ही दिए हैं, काफ़ी अच्छा पैनल था और इसमें काफ़ी कम परसेंटेज गई है, जो मेन पैनल था उससे परसेंटेज कम होके गई है दोस्तों। और मतलब विकलांग कोटा से कोई भी बंदा सेलेक्ट नहीं किया गया, यानी विकलांग बंदे की कोई भी कोटा अभी वेटिंग लिस्ट नहीं क्लियर की गई है, ना ही एक्स सर्विस मैन की वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई है, जो भी है वो फुल हो चुकी है सीट, बस ओनली फॉर इन्हीं की वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको दो RRC, 2 RRC, 2 RRC एंड 1 RRB के बारे में अपडेट दिया हमने। तो ये कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी अगला रिप्लेसमेंट पैनल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दोस्तों सबसे पहले कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल आए तो वो आपके पास पहुँचे। और आप एक साइड में बेल आइकन यानी घंटे वाले बटन को भी ज़रूर दबाएँ। जब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय।